फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 और खाना बन रहा है हम लोगों का। और आज मैं बना रही हूँ छंचिया, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने बनाया नहीं है, बस देखा है मम्मी को बनाते हुए। इतना कठिन नहीं है, मतलब आसान ही है बनाना, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं घर पे। तो मम्मी ने कहा कि तू ही बना देना करके, मैं रख जाऊँगी कि कितना मतलब कितने उससे बनाना है। तो मम्मी रख गई थी, भिगा गई थी। तो फिर मैंने भी रखा हुआ है बनने के लिए, तो अभी बन रहा है। और उसके साथ बन रही है मूली की सब्जी। और छंचा मैंने रख दिया जैसे कि बनने के लिए। मम्मी कहीं जा रही है किसी वजह से, तो मम्मी अभी है नहीं घर पे, नहीं तो मम्मी बनाती, पर मम्मी है नहीं तो मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा, कुछ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि रख तो मैंने दिया है बनने के लिए। मतलब उबाल आ गया है उसमें, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कब बंद करना उसको, कि जब ज़्यादा ही आ जाएगा कि मम्मी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि कितनी देर में बंद करना है। कुछ सामान इसमें है मेरा अपना, मम्मी का तो अलग निकाल दिया मम्मी ने अपना। ये मेरा है जो मम्मी ने दिला रखा है। ये भी इनमें पूरे उसमें मम्मी के दिलाए हुए सामान है। तो ये मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं ससुराल चले जाऊँगी कि क्या क्या है इसमें और किसके लिए क्या क्या लिया है। तो वो सब है। तो इसको बंद कर देते हैं, टेजी में पैक करना है मैंने ये सब, जो कि है ये रहा। और मुझे लगता है थोड़ी देर और होना चाहिए इसको थोड़ा सा। और इधर बन रही है मूली की सब्जी। और आज मेरा मायके में लास्ट दिन है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ ससुराल, तो आज लास्ट दिन है। पर ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे मेरा ससुराल, ज़्यादा दूर है नहीं, तो कभी भी आ सकते हैं हम इधर। बट अब ऐसा है कि जैसे और दिन मैं ज़्यादा दिन के लिए आती थी या फिर रुक जाती थी, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ये है कि आती रहूँगी मैं। सामने ही है मेरा ससुराल, ज़्यादा दूर है नहीं जैसे कि। तो मैथ क्या, मैथ में तो मैं हुई, ससुराल जाऊंगी ना अब मैं। कैसे जाएगी तो ससुराल? कैसे जाएगी मतलब मैंने जाना नहीं है ससुराल अपने। कैसे नहीं जाएगी ससुराल? तो कल जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। हाँ तो कल कहो तो क्यों आज क्यों कर रही? तो मैं बता रही हूँ ना कि आज मेरा लास्ट दिन है ससुराल में, कल मैं ससुराल जा रही हूँ। है ना? तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि मैं ससुराल जा रही हूँ? तो ठीक है, तुमने तो मैं ससुराल जा रही हूँ। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है? मैं ससुराल जा रही हूँ, बुरा नहीं लग रहा है। बुरा ऐसे लगेगा कि जब वहाँ रहेगी 2-4 दिन, और 4 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, और आ जाएगी तो फिर अपना साथ। तो मैं बार बार थोड़ी आती रहूंगी। कौन नहीं आएगा तब? अब मेरे सास ससुर नहीं आने देंगे मुझे। कौन तो वो बोलेंगे बहुत टाइम रह ली, तो वहाँ 2-2.5 महीने बहुत होते हैं। अब नहीं भेजेंगे मुझे वो। क्यों? अब ऐसे भी तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों कर रहा है तुमने? इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। क्या क्या बताओ? अब मेरे सास बोलते अब नहीं भेजेंगे हम तेरे को बलवा। अब ये लास्ट था जो मैं इतने टाइम तक रुक गई यहाँ, अब नहीं आऊंगी मैं। झूठ नहीं, सच बोला। जब देना वाला यार इतनी ना क्या इतना गप क्या छिलोड़ी। मेरी दादी की अनोखी बात है। और तुम्हारे नए नए बाल क्या बात काले आ रहे हैं? हर एक हमारे बाल नए नए सफेद आ रहे हैं। अरे देना काले काले बाल आ रहे हैं। अरे काली हुई वो तब। काली नहीं होगी, बालों की बात कर रही है। इनको एकदम गोरा चिट्टा होना चाहिए। वो तो है ही गोरी चिट्टी, पर और गोरा होना है इनको। बुढ़ापे में इंसान काला हो जाता है, फिर भी तुम इतनी गोरी हो। आम तो अब चिमोड़ाया। चलो ठीक है, फिर मैं कल जा रही हूँ। ठीक है? चुप रही क्या? अच्छा नहीं बोल तो सच्ची, कल पता चल जाएगा तुम्हें। टेंशन क्यों ले रही हो? तो मैं जाना नहीं अपने ससुराल। तो क्यों कल नहीं जाऊँ? हाँ तो फिर कल ही तो जा रही हूँ मैं। चुप रहा धीरे, एकदम वक्त दे देना। ये घर की खेती हो रही है ना मेरी, एक दिन वक्त घर की खेती नहीं है अब तो। क्या है वो गुस्सा कैसे आ रहा है? ठीक है जरा मतलब मेरे को जाने नहीं देना चाहिए। हाँ पिताजी समझी। हाँ हर वक्त। हाँ बैठ जा तू बस। अरे मैंने छंचा रखा, वो जल जाएगा, वो नीचे चिपक जाएगा। माँ का जब पापा और मम्मी से मिलते जा रहे तो वो मगे पापा खड़ी और मम्मी खड़ी, यूँ सोचे इतना डांट क्या बात बोलने से नहीं, जितने दार से क्या अपना है बस यार दादी बस बोलिया। बस मेरे को हंसी आ रही तुम्हारे रोने देखे। वो भी बस चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो सोलो सोलो। अरे हाँ, अरे तो मैं यही तो हूँ। इतनी भीड़ हो रही है कि जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे लड़की जरा यार तुम भी ना बाय गॉड जैसे मेरे लड़की है ऐसे तो कोई है ही बिना है और किसी को नहीं देखता हूँ मैं। हाँ चलो हो गया प्यार पापा, प्यार पापा, प्यार पापा से। तो मैं दादी हो गई इमोशनल। अब मैं कल जा रही हूँ, आज थोड़ी जा रही हूँ, कल के बचा के रखो यार, कल जा रही हूँ मैं। चलो सो जाओ, चलो 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 तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दी मैंने, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं सोएंगे तो फिर और रोएंगी। कल जाना है मैंने। वैसे तो भाई की सैलरी आ चुकी है, ये सुन ले, यहाँ विवाह की बात भी चलने लग गई है। सैलरी आती ये पैसा ही पैसा होएगा। खुशी देखो जरा लड़के की मुँह की, ये पवन वाह वाह। लो भाई इधर दे दे, मेरे को भी दे दे। जिन्ने दो मुझे भी, एक्स्ट्रा तो नहीं आ गए, जिन्ने दो। ये 10,000 तो ये बोलो, पूरा छोड़ी है 10,000। आप बोले आप पढ़ा सकते हो 11 12 13 14 15 यदि आप दोनों मैच्योर हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं तो पढ़ाओ और अपनी पत्नी को पढ़ाओ। कोई दे रहा हूं ऐसे लो। और भी है पर्स में, और भी है। 20,000 होते हैं और क्या होता है। और बस और आज आ रखे हैं गोलगप्पे जो कि इसमें है। तू तो वो बोला था घेवर भी ला रहा था, घेवर नहीं लाया तू? अच्छा इसमें घेवर भी, ओके घेवर भी आया भाई। ये रहा देखता है, चलो गोलगप्पे रखते हैं पहले घेवर। सैलरी आने की खुशी में पार्टी। अरे ये ओए ओए, अरे कितनी तेज आवाज कर रहा है। और आज बनेगा चिल्ली पनीर। पवन पनीर लेके आ रखा है और चीची को उसकी खुशबू पहले से आ चुकी है। वैसे आवाज कर रहा नहीं तेज। और मम्मी यहाँ मेरा ब्लॉग देख रही है, ये आ गया। इतनी तेज आवाज कर रहा था पता ही है। अभी पनीर के लिए खाएगा नहीं खाएगा मालूम नहीं, पर आवाज इतनी जोर जोर से निकाल रहा है। तो ओह ओह स्टंटमैन, ये खतरों के खिलाड़ी खड़ा हो रहा है। आएगा पसंद नहीं आया, रे हट मेहनत बर्बाद तेरी। अभी नहीं खा रहा, रुक के खाएगा। उधर रख दे, खा रहा है। अभी नहीं खा रहा, रुक के खाएगा। हिम्मत दे उसको, थोड़ा थोड़ा दे उसको, खाएगा शायद तो बाद में। अभी खीरा चाहिए उसको। और मम्मी ये हंसी देखो जरा ड्राई फ्रूट के नाम घर रहे। खीरा काटेंगे आज खाने के लिए। ये शिमला मिर्च लेके आया, अब उसके लिए खाएगा है। खाता है शिमला मिर्च, खा रहा है। ले खीरा दे यार, घर रहे खीरा खाएगा वो। अब शिमला मिर्च नहीं खा रहा, ले नहीं खा रहा। तेरा तू किसी काम का नहीं है। ये देख खीरा चाहिए उसको, खीरा की खुशबू। ये भी दे दे उसको, कब से आरती से खीरे की खुशबू। वो लेके चला गया साइड पे।